यास्मीन, तुम समझ तो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ दिन पहले कादिर ने तुमसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। क्या ख्याल है तुम्हारा उसके बारे में? कासिम भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है? कादिर आपका बेटा है, जो भी फैसला होगा आप ही का होगा। मेरे बेटे ने ये बात कह के मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं चाह रहा था कि सोबिया को अपनी बहू बना लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज हो सकता है कासिम भाई, आप मेरे बड़े हैं, मेरे मेके का इकलौता रिश्ता है आप। मैं और कहकशां बजाबता तौर पर तुमसे सोबिया का रिश्ता कादर के लिए मांगते हैं। क्यों कहकशां जी? सोबिया आप ही की बेटी है कासिम भाई। अमीरा, जाओ बेटा, जरा सोबिया को तो बुला के लाओ। जी बाप। बेटा बैठो बैठो सोबिया। अरे पकड़ो ना बेटा, पकड़ो, जीती रहो। कासिम भाई, इसकी क्या जरूरत? अरे भाई, ये रस्म है हमारी, ये इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सोबिया के लिए। अमीरा, मुंह मीठा कराओ बेटा। मैं चाह रहा था कि कादिर की बड़ी धूमधाम से मंगनी की जाए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तुम्हें किसी किस्म की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है यास्मीन, सब कुछ कहकशां कर लेगी। और हाँ, जो सबसे जरूरी बात है कहकशां, गेस्ट रूम तैयार करवा दो। सोबिया और यास्मीन अब गेस्ट रूम में रहेंगी। भैया, मैं ये सोच रहा था कि सोबिया ने आज या कल हमारी बहू बन के इसी घर में आना है ना, तो अगर पहले आ जाएगी तो क्या वो जायका है, और फिर बाद में यास्मीन अकेली कैसे रहेगी? कासिम भाई, हम क्वार्टर में ही ठीक हैं। यास्मीन, कैसी बातें कर रही हो? नहीं, अब तुम गेस्ट रूम में रहोगी।